हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सीबीएसई सीनियर एंड जूनियर असिस्टेंट 2019 के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं। डाउट्स में यह पूछा जा रहा है कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और इसके साथ साथ क्या हमारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, और इसके साथ साथ हम लोग को कितनी संख्या में वहां पर बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको हर एक डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको देख रहा होगा वीडियो के बाजू में बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दें, दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आती है पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हर एक बात को करते हैं डिस्कस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले सवाल की, जो पूछा जा रहा है क्या सर हमारे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा क्या, हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा नॉर्मलाइजेशन का फंडा। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन का एक नॉर्मल सा रूल है कि यदि आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट में आयोजित होता है, कहने का मतलब यदि आपका पेपर एक से ज्यादा शिफ्ट में आयोजित होता है तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन के चांस 100% हो जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, और चूंकि आपको पता होगा कि आपका पेपर कितनी शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और किस किस दिन आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, चूंकि डियर फ्रेंड्स यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा कि आपका पेपर हुआ था एक 28 तारीख को। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हुई थी कितनी, 3 शिफ्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड इसके बाद आपका नेक्स्ट हुआ था कब, 29 तारीख को, इसमें भी हुई थी दोस्तों आपकी कितनी, 3 शिफ्ट। अब दोस्तों आपका एक पेपर हुआ था 30 तारीख को, इसमें भी हुई थी आपकी 3 शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, 28, 29, 30, तीन तीन शिफ्ट हुई थी, और आपका लास्ट पेपर हुआ था 31 तारीख को, जिसमें हुई थी आपकी 3 शिफ्ट। तो दोस्तों आप यदि टोटल करेंगे तो 4 दिन होते हैं और आपकी 12 शिफ्ट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर 12 शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 12 शिफ्ट में ऐसा तो नहीं कि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल एक जैसा रहा हो। कहने का मतलब किसी पेपर में, किसी शिफ्ट में आपका पेपर हार्ड हुआ होगा, किसी में इजी हुआ होगा, बिल्कुल 100% चांस है कि आपका पेपर आगे पीछे जरूर हुआ होगा। हो सकता है आपकी वो सेकंड शिफ्ट हो, थर्ड शिफ्ट हो, या फर्स्ट शिफ्ट हो, या फिर आपकी 29 तारीख की हो, 31 की हो, 28 की हो, लेकिन आगे पीछे जरूर होंगी। एक सा लेवल रहना इम्पॉसिबल हो जाता है एक से अधिक शिफ्ट वाले एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, चूंकि यहाँ पर एक से अधिक शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, एक से अधिक दिन आपका एग्जाम हुआ है, तो बिल्कुल 100% चांस है कि आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो नॉर्मलाइजेशन में कितना डिफरेंस आ जाते हैं आपके मार्क्स में, आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझा देता हूं कि आखिरकार क्या हो जाता है आपके नॉर्मलाइजेशन में। और इसके लिए यदि आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पे हमारी वीडियोज में विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर SSC का नॉर्मलाइजेशन समझाया है, रेलवे का नॉर्मलाइजेशन समझाया है, सेम वही प्रोसेस आपके एग्जाम में होगी। क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन तो नॉर्मलाइजेशन होता है, वहां पर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही होता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देते हैं कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे हम आगे अगली स्लाइड में, और बात कर लेते हैं कि आखिरकार नॉर्मलाइजेशन फंडा क्या चीज है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपकी जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होते हैं उन सभी शिफ्ट को एक जैसे लेवल में लाना रहता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, 5 कैंडिडेट खड़े हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई उससे भी बड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जिस 5ों कैंडिडेट को एक समान बनाया जाता है। आपकी जो शिफ्ट है, कोई हार्ड है, कोई इजी है, कोई बिल्कुल इजी है, तो दोस्तों इन सभी का लेवल बिल्कुल एक जैसा सम ऐसा हो जाए ताकि ना किसी को घाटा लगे ना किसी को फायदा हो। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है नॉर्मलाइजेशन का, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। इसमें आप लोगों के हर एक कैंडिडेट के और हर एक शिफ्ट के मार्क्स का लेवल एक जैसा कर दिया जाता है, आपके पेपर में कोई आगे कोई पीछे नहीं रहता। अब फ्रेंड्स, यह कैसे किया जाता है, तो इसके लिए मैं अभी फॉर्मूला से आपको समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में आपको टाइम लग जाएगा फालतू में।
लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता दूं, इसमें ऐसा करते हैं जैसे आपकी शिफ्ट है, आपकी शिफ्ट में कोई कैंडिडेट टॉपर है तो उस कैंडिडेट के टॉपर का एवरेज मार्क्स ले लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टॉपर का एवरेज मार्क्स ले लिया जाता है और उस शिफ्ट का टोटल का एवरेज मार्क्स ले लिया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों आपकी जो शिफ्ट ऑल शिफ्ट जितनी भी आयोजित हुई है उन सभी का एवरेज मार्क्स ले लिया जाता है। टोटल यहाँ पर एवरेज पे ही काम करना रहता है और आपका रो मार्क्स वगैरह इन सभी से मिलाकर आप लोगों का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाता है। उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर टाइम लग जाएगा, यदि टाइम रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। जाहिर सी बात है सर, इसमें नॉर्मलाइजेशन में आखिरकार कितने मार्क्स का हेरफेर हो जाता है, जिससे कि आपके थोड़े बहुत मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप थोड़ी बहुत आशा करें, तो जरा बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि आखिरकार आपके मार्क्स कितने इंक्रीज होने के चांसेस नॉर्मलाइजेशन में होते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हम आगे हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार कितने हमारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यहाँ पर फिक्स कुछ नहीं होता। ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि भाई आपके मार्क्स 10 के 10 ही बढ़ेंगे सब लोगों के, आपके मार्क्स 5 के 5 ही बढ़ेंगे सब लोगों के। यहाँ पर यदि मार्क्स बढ़ने की बात करें तो दोस्तों आपके नंबर यहाँ पर 1-2 से लेकर आपके नंबर बढ़ सकते हैं दोस्तों 20-25 तक। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा स्वयं का अनुभव, मेरे फ्रेंड्स का अनुभव और मैंने आंख से कैंडिडेट के नंबर बढ़ते हुए देखे हैं। चाहे फिर आप SSC की बात कर लो, चाहे रेलवे की बात कर लो दोस्तों, किसी कैंडिडेट के नंबर 5 भी बढ़ जाते हैं तो किसी कैंडिडेट के नंबर यहाँ पर 10 भी बढ़ जाते हैं, किसी के 15 भी बढ़े हैं और किसी के 25 भी बढ़े हैं, और हो सकता है किसी के मार्क्स 0 भी ना बढ़े। अब यह आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिरकार आपकी शिफ्ट कितनी ईजी थी, कितनी हार्ड थी। सीधी सी बात है, यदि आपके मार्क्स करीबन आपके 50% के थोड़े बहुत ऊपर हैं तो आप आशा करें कि आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, बिल्कुल पूरे पूरे चांस हैं। अधिकतर नंबर कितने बढ़ते हैं सर, आप ये बताइए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, मैंने मैक्सिमम नंबर बढ़ते हुए अभी तक देखे हैं 5 से लेकर 7 नंबर के बीच। मैक्सिमम यूं कहें कि 75% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं करीबन 5 से लेकर 7 के बीच, लेकिन 25% स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके मार्क्स कभी कभी 20 से 25 के समथिंग भी बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना हेर फेर आपके नॉर्मलाइजेशन में हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की बात कर ली, चलिए अब आपके जो सेकंड डाउट है और थर्ड डाउट है उसको भी क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम होने वाला है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी कवर कर लेंगे यदि आपके डाउट आएंगे तो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपके सेकंड सवाल की, क्या कि सर कितने छात्रों को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, चूंकि आपने नोटिफिकेशन को रीड कर लिया होगा तो आपको पता होगा, और नहीं किया तो आप देख लीजिए दोस्तों, आपको वहां पर बुलाया जाएगा क्या 1:10 के रेशियो में, 1:10 के रेशियो में। अब कहने का मतलब 10 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल आपकी सीट्स हैं कितनी, 200, मान के चलिए आपकी 200 सीट है, तो दोस्तों आपको कितनों को बुलाया जाएगा आपके टाइपिंग के लिए। फ्रेंड्स आप लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पर 2000। जी हाँ दोस्तों, 2000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 2000। अब 2000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा तो समझिए कि आपका यहाँ पर जो है कट ऑफ ज्यादा हाई भी नहीं जाने वाला। तो फ्रेंड्स आप लोग टाइपिंग की तैयारी भी करिए, यदि आप 50% से आप चल रहे हैं, आपको लगता है कि आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है प्लीज, और प्लीज आप टाइपिंग की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वालिफाइंग जरूर है लेकिन आप उसको नहीं कर पाएंगे तो आपको अलग कर दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं आपके लास्ट और थर्ड डाउट को। चलिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और बात कर लेते हैं कि सर आखिरकार हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से डाउट्स आ रहे हैं जिसमें कैंडिडेट पूछ रहे हैं सर रिजल्ट की टाइम क्या है, डेट क्या है। तो फ्रेंड्स बता दूं, चूंकि हमारे पास ऐसा कोई नोटिस जारी भी नहीं हुआ है कि आपको मैं फिक्स डेट बता दूं कि नहीं भाई आपका तारीख जे फिक्स हो गया है कि 1 तारीख को रिजल्ट आना है, 5 तारीख को रिजल्ट आना है। बट यार फ्रेंड्स आपको बता दूं, आपका जो रिजल्ट है संभावित एक्सपेक्टेड टाइम आपका जो चल रहा है क्या फरवरी चल रहा है ना फ्रेंड्स, तो फरवरी की 3rd या 4th वीक में आपके 99% चांस है कि आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फरवरी के एंडिंग तक आपको आपका रिजल्ट बिल्कुल 100% चांस है कि देखने को मिल जाएगा। तो
तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर आपके वन बाय वन करके हर एक डाउट को क्लियर कर दिया है। फिर भी आपके मन में अभी कोई डाउट्स बचा हुआ तो आप बेझिझक होकर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई अवश्य देता हूँ। ओके, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।